भाजपा सांसद कंगना रनौत को किसान आंदोलन को लेकर बयान देना भारी पड़ गया है। भाजपा ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और इसके साथ कंगना को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। भाजपा ने साफ शब्दों में कहा है कि कंगना रनौत का किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भाजपा कंगना के बयान से असहमति व्यक्त करती है। भाजपा ने कंगना को दिया कड़ा निर्देश। भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए गए नोटिस में कहा है कि पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। भाजपा की ओर से कंगना को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। क्या था कंगना का बयान? दरअसल कंगना रनौत का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कंगना ने कहा था कि जो किसान आंदोलन हुआ वहाँ लाशें लटक रही थी, वहाँ रेप हो रहे थे, किसान बिल को वापस ले लिया गया जिससे देश चौंक गया। ये बहुत लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ, चीन और अमेरिका, इस तरह की विदेश शक्तियाँ यहाँ काम कर रही हैं। कंगना ने यह भी कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता है तो बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ होते देर नहीं लगती। कांग्रेस ने भी हालांकि इस बयान का बहुत विरोध किया था। तो इस खबर पर और कंगना के बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।